डील क्या हुआ वो मुझे पता है। वो डील को अगर मैं इस जगह सार्वजनिक कर दूंगा तो मुझे लगता है कि देश के लिए अच्छा नहीं होगा। मुकेश सहनी की पार्टी 3 विधायक भाजपा में जैसे ही शामिल हुए उसके बाद से ही बिहार की राजनीति गर्म हो गई, जिसको लेकर बयानबाजी भी हो रहा है। अब विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने मीडिया के सामने आकर कहा कि जब चुनाव के वक्त अमित शाह से हमारी क्या डील हुई थी सिर्फ 2 लोग ही जानते हैं। वो डील अगर हम आकर सामने रख देंगे तो देश में भूचाल आ जाएगा और पूरी तरीके से इसका जवाब वही दे सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के साथ क्या डील हुई थी ये इसको लेकर वो सार्वजनिक नहीं कर सकते क्योंकि देश हित के लिए अच्छा नहीं होगा। इस सवाल पर उन्होंने सीधे तौर पर जो है ये भी कहा कि विलय वाली बात पर उन्होंने सीधे से इनकार किया, कहा कि ये बात नहीं है, लेकिन जो कुछ है वो देश के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर वो सबसे बड़ी पार्टी बन गए हैं तो इसके लिए तहे दिल से बधाई, और संजय जायसवाल जी को भी तहे दिल से बधाई, और भाजपा में शामिल होने पर 3 विधायकों को उन्होंने बधाई दी है और कहा कि हम यहाँ तक भी पहुँचे हैं तो बहुत कड़ी मेहनत से, अति पिछड़ा का बेटा हूँ जो है उससे आता हूँ, इसलिए मुझे इस तरह के लोग तंग कर रहे हैं, लेकिन मैं टूटूंगा नहीं और मजबूत हूँगा और मेहनत करूँगा। और क्या कुछ कहा है 3 विधायकों को भाजपा में शामिल होने पर विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने, पहले वो आप सुनिए। साथी जो कल तक हमारे विधायक थे उनको भी शुभकामना देते हैं कि वो कल तक हमारे साथ थे, वो फिर अपने निर्णय बदले हैं, वो जहाँ पे भी गए हैं उनको शुभकामना है। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी शुभकामना देते हैं कि 74 विधायक बनाने में सनत मल्ला का योगदान था और हम लोगों ने मिलकर उनके 74 विधायक बनाए, और उसके बावजूद भी बिहार में 2 नंबर की पार्टी बनी, और उसके बाद हमारे 3 विधायक मिलाने के बाद वो अभी 77 हो गए और बिहार का 1 नंबर का पार्टी हो गए, बड़ी पार्टी बन गए। जो पार्टी देश का, दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी, वो पार्टी कहीं ना कहीं एक अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला के बेटा के सहयोग से 74 पहुँचे और 74 से 77 पहुँचे, और इसके लिए मैं विशेष तौर पे भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूँ कि आप बिहार के सबसे बड़े पार्टी आप बने हैं, इसके लिए बधाई देता हूँ। और विशेष तौर पे बिहार में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी को भी बधाई देता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन मैंने कल उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, उन्होंने बहुत ही जो बात उनको नहीं बोलना था उन्होंने बोला, बहुत झूठ बोला, जबकि वो न 3 में थे न 13 में थे। जब मेरी क्या डील हुआ, ये डील सिर्फ 2 लोगों को पता है, एक सनत मल्ला को पता है और एक देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी पता है कि बंद कमरे में क्या डील हुआ। यहाँ तक कमरे के बाहर भी रहने का सौभाग्य संजय जायसवाल जी को प्राप्त नहीं हुआ था कि वो कमरे के बाहर भी खड़ा होकर कान लगा के सुने, और बिहार में किसी भी नेता को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, कुछ जानकारी माननीय गृह मंत्री जी को आके बोलना चाहिए, डील क्या हुआ वो मुझे पता है। वो डील को अगर मैं इस जगह सार्वजनिक कर दूंगा तो मुझे लगता है कि देश के लिए अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए वो डील को हम यहाँ पे नहीं बोलेंगे तो वही ज़्यादा अच्छा होगा, हम अपने रास्ते चलेंगे। और उनको लगता है कि ऐसा डील हुआ तो वो सामने से गृह मंत्री जी ही बीच में थे, वो उनको आके बोलना चाहिए। आप लोग किधर से भी कुछ आपका मैडम सवाल बोले, अरे हम लोग तो पंगा लेने वाले ही लोग हैं, उस कुल खानदान से आते हैं कि हमारे लोग हमारे पूर्वज श्री रामचंद्र जी को नैया पार लगा दिए हैं, और हम अपने नैया को किसी और के भरोसे नहीं छोड़ने वाले हैं। रहा कि हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं किसी से भी, आपने हमारे फूलन देवी को आपने देख सुना होगा उनके बारे में, एक छत्र चंबल में उनका ताकत था, लोगों ने किस तरीके से उसको साइड किया, किस तरीके से अत्याचार किया, तो ये हम लोगों के साथ हमेशा ऐसे होते रहा है,
और मैं अपने वजूद से कभी समझौता नहीं किया। तो आपने सुना कि किस तरीके से मुकेश साहनी ने सीधे तौर पर कहा कि जो मैं अगर अमित शाह की बात जो दो कमरे में दो लोगों के बीच बात हुई है अगर ये सार्वजनिक कर दूं तो देश के लिए अच्छा नहीं होगा, उसके लिए भी समय है और मैं अति पिछड़ा से आता हूं इसलिए इस तरह की बातें हो रही है। तीनों विधायक गए हैं उन्हें तहे दिल से उन्होंने बधाई दी। आगे के अपडेट्स के लिए आप बने रहे दस न्यूज़ के साथ और देखते रहें।